तो जी बात क्या है जी, आप लोग अपने परिवार जैसे हैं, आप लोग से क्या झूठ बोलना क्या छिपाना कि जी आपने मायके में क्यों नहीं ज्यादा जाती, और जब भी जाती है तो क्यों नहीं ज्यादा रहने देते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं रात के 9:15 और क्रियास का तो खाना पीना हो गया और अब बारी अब हम लोगों के खाने पीने की। ये ठीक है, तुम ही बोलो, हम छोड़ दे बोलना, तुम्ही को बोलना है। आय हाय हाय, ये अपना डांस कर रहा है। तो क्रियांश जो है अपना बहुत खुश है क्योंकि क्रियांश जो है जाने वाला है अपने नानी घर। जी हाँ, जिया भी जाने वाली है अपने मायके, तो अपने नानी घर क्रियांश जाएगा, जिया मायके चली जाएगी और ये लोग भी अपना थोड़ा घूम फिर लेंगे। बाकी क्या है कारण, क्यों जा रही है, सब कुछ आगे बताते हैं। और ये इतना शोर मचा रहा है, ओहो चलो चलो चलो, स्टंट में दिखा, स्टंट में दिखा। तो क्रियांश चला गया अपने दादा दादी के पास और इतनी बदमाशी किया ऊपर में कि पूछिए मत, तो उसको लेकर के आगे नीचे। और फिलहाल जो है जी अपना रोटी सब बना रही है और चटनी तो बिल्कुल धनिया का तैयार है। ये धनिया का चटनी बहुत अच्छा लगता है, धनिया की चटनी और यहाँ पनीर की सब्जी। अच्छा, ओ भाई पनीर भी है साथ में, मजा आने वाला है फिर। बहुत लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जिया जो है जैसा कि अभी आपको कुछ देर पहले बताया, मायके जाने वाली है, तो मायके जाने को लेकर के जिया एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा है। जिया जो है चाहती थी कि मायके जाए और अच्छे से वहाँ पर रहे, लेकिन कभी भी ऐसा मौका लग नहीं पाया कि अच्छे से वहाँ पर रह पाए, तो इस कारण पर जो हम लोग डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल सभी का खाना पीना सब हो जाए यहाँ पर। तो बाबा के पास से अब आ गया है यहाँ पर और बदमाशी एकदम चरम पर है इसका। वहाँ पर अपना मन मुताबिक काम नहीं हुआ, बाबा मौज भरा दिए, यहाँ आया का पार फोड़ने के लिए सब काम ना। अब ये से धमकी हे हे ना, क्या क्या चाहिए, कुछ देर उसको फेंक दे ना, वही फेंकना है। ये क्रियांश बुलकता उसमें से पानी निकालने का रहा है, पानी निकालने का रहा है। One hour later. तो फिलहाल आए हुए थे जी अभी फल मंडी, तो यहाँ से जो कुछ फल सब उठा करके ले आए। यह अपने कटिहार का जो म्युनिसिपल मार्केट है, तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह जितने भी सामान सब आता है सभी होलसेल रेट में जो है बिक रहा होता है, असल में होलसेल के लिए बिक रहा होता है। यहाँ पर कुछ कुछ रिटेलर भी है जहाँ पर आपको बाकी दुकान के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। आगे सुबह सुबह ले लिए और चलते हैं। तो बहुत कोशिश की गई कि क्रियांश जो है चीकू खा ले, लेकिन क्रियांश जो है चीकू बिल्कुल भी नहीं खाया, बस वेस्ट कर दिया चीकू, है ना। तो इसी के लिए मंगवाया गया था कि बच्चों के लिए अच्छा रहता है चीकू, सुना था, लेकिन बेचारी भाई सब नहीं खाए। देखिए अभी तक, अच्छा एक लगा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं, नाम सुनते ही भाग जाएगा। Two hours later. तो अब बारी हो गई जी क्रियांश के नहाने की, तो क्रियांश यहाँ पर आ गया है नहाने के लिए। हाँ हाँ, और यहाँ एकदम खुले छत में नहाएगा ये क्रियांश, खुले छत में नहाना है। अब ये देखिए क्या करेगा ये, वाह पानी इसमें डालेगा, अपने गाड़ी को धोना था इसको। अच्छा वाह क्रियांश, वाह 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 वाह, लो फिर पानी लो, पानी लो। अरे वाह, मेरे ऊपर ही डालेगा। और जिया यहाँ बैठ करके नजारा का आनंद ले रही है, वहाँ पर क्रियांश नहा रहा है और साथ में चीकू मिल गया, तो अपना चीकू भी दबा रही है। चीकू बहुत अच्छा लगता है बहुत ज्यादा, और जब मैं छोटी थी ना तो हमारे नानी घर में चीकू बहुत होता था, हमारी नानी चून चून के मतलब टूट के ये गिरता है और तोड़ भी सकते हैं आप, तो हमारी नानी हमारे लिए रखती थी, घर भी बेच देती थी। वाह बहुत बढ़िया, तो खाया जाए। बाकी यहाँ पे देख रहे जितना भी मिट्टी सब इधर उधर फैला हुआ है, ये सारी क्रियांश की हरकतें हैं, ये देख रहे यहाँ पर मिट्टी सब, पता ये टमाटर उधर था ना, डैडी इसको यहाँ के छुपाए क्योंकि बेचारा रह नहीं पाता क्रियांश के लिए, क्रियांश तोड़ के फेंक देता है, इस वजह से डैडी उसको छुपा के उधर रखे कि बचे थोड़ा। अच्छा अच्छा, क्या कर रहा है, चलो क्रियांश चलो 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 जल्दी चलो चलो, मम्मी लेके जा रही है तुमको, मम्मी लेके जा रही है, नहीं जाएगा, चलो जल्दी चलो, जाओ जाओ जाओ, मम्मी ले, मम्मी चलो लेके, अब चलिए कितना नहाओगे, चलो ना चलो क्रिया चलो चलो, Twenty minutes later. क्या पूछी डेडो, ओहो बिंदी निकाल दिया, क्रिया का ये काम है, क्रिया नहा के रेडी हो चुका है। पूछी डेडो, क्रिया सीधा लिप्स में पूछी देता है, ड्रेस दिखा दो अपना, बोला अब गर्मी आ गया, अब मम्मा बहुत सारा कपड़ा नहीं पहनाएगी हमको, हो अब चलो नींद नहीं करने, चलो नींद तो बिल्कुल नहीं करा क्योंकि 8:30 बजे उठाए गया। One hour later. तो फाइनली क्रियांश सो गया और मुझे भी उसको सुलाते सुलाते इतनी नींद आने लगी, बट काम है अभी, तो काम तो करना बनता है,
और अभी आया हुआ है मेरा एक पार्सल, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसको करते हैं ओपन, देखते हैं इसके अंदर क्या आया हुआ है। मुझे क्या मैंने ऑर्डर किया है। अच्छा लगता है कोई साड़ी आ गया। ओहो ये तो बहुत ही अच्छी साड़ी है। देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी साड़ी आई हुई है। जब मैं पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जो फैब्रिक है ना इसका, ये भी बहुत सॉफ्ट है। मुझे इस टाइप का सॉफ्ट साड़ी जो होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कलर भी बहुत प्यारा है। इसमें कलर बहुत सारे अवेलेबल थे बट मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जब मैं पहनूंगी ना तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डाल दूंगी, तो आप लोग उन्हें कॉल करके ऑर्डर कर लीजिएगा। बाकी जो हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, जो हमारे फेसबुक पे जुड़े हैं, वो उनका आईडी वहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो आप उन्हें मैसेज करके भी कर सकते हैं ऑर्डर। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और पहनने वाली हूँ ये चूड़ा। तो इसका ओपन करते हैं और देखते हैं कौन सा चूड़ा है, फिर मैं पहनूंगी और चलूंगी धूप में शूट करने के लिए। अभी इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है ना, धूप बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी शूट करना ही पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं ये हमारा चूड़ा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं छत पे, जल्दी से शूट कम्प्लीट करते हैं। क्रियांश भी तो उठ ही चुका है। A few moments later. तो फाइनली दिया का जो शूट हो गया है समाप्त और क्रियांश अभी नीचे है। हम लोग जो है फायदा उठाए, दादा दादी अभी नीचे है, उसके दादाजी भी है क्रियांश के। आज डैडी का भी छुट्टी था क्योंकि गुड फ्राइडे है ना। हाँ, तो गुड फ्राइडे का छुट्टी जो है हमको भी था, तो मेरे लिए भी थोड़ा फायदा ही रहा आज के दिन। और पता है आप में से बहुत लोगों का कमेंट रहता है कि जिया दीदी आपका मंगलसूत्र बहुत अच्छा है। तो ये गोल्ड नहीं है, ये 1 ग्राम गोल्ड है। अच्छा 1 ग्राम गोल्ड है, एकदम लगता है ओरिजिनल ज्वेलरी टाइप से। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये गोल्ड है। नहीं जी ये 1 ग्राम गोल्ड है और ये गोल्ड है। बहुत लोग पूछते रहते हैं और बहुत लोग को ये सब भी लगता होगा कि एकदम घर में जो इतना तैयार वैयार होकर के क्यों रहती है। तो नहीं मैंने बता दिया कि बस ये वीडियो शूट होने के लिए तैयार होती है। उसके बाद तो फटाफट से कपड़ा खोलते हैं क्योंकि मुझे मेकअप और इतना हैवी चूड़ा ये वगैरह हमको उतना अच्छा नहीं लगता है। बस वीडियो के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, वो मैं करती हूँ। और कल मुझे जाना है अपने मायके, जो कि मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल जी, तो इस मायके को लेकर के जो है हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप बोले कि एक हफ्ता रुकने के बाद, पता नहीं कि आप क्या बोलोगे नहीं बोलोगे। इस बार तो परमिशन मुझे मिल गया है एक हफ्ता रुकने का। बाकी डे नहीं रहना पड़ता था, मतलब नहीं रहने देते थे ये, जाओ बसाओ। तो उसका क्या कारण है जी, आपको बता देते हैं कि जिया जो है मायके जब भी जाती थी तो मायके में ज्यादा दिन जो है जिया का नहीं रहना होता था, और मायके जो है जिया का जाना भी बहुत कम होता है। तो जिया जो है मायके लगभग कॉलेज था तो कॉलेज के कारण जाते थे, फिर घर पास में था तो चले जाते थे। बिल्कुल, तो कॉलेज के बहाने भी नहीं हो पाया। तो अब उसके बाद बताते हैं जी आपको कारण। तो जी बात क्या है जी, आप लोग अपने परिवार जैसे हैं, आप लोग से क्या झूठ बोलना क्या छिपाना। बात क्या है जी, हम लोगों का तो मेरा जो एक अपना काम है ही, अपना काम के अलावा जो यह एक सोशल मीडिया पर जो अपना एक काम स्टार्ट हुआ है, जो कि यूट्यूब और जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर हम लोग अब लगभग एक तरह से कहिए कि फुल टाइम वर्क ही है। पूरा हम लोग जब से सोशल मीडिया पर आए हैं पूरा अपना यहां पर अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं और जितना भी समय होता है, और आप लोग का जो है कमेंट आता है जो भी आता है तो उससे हम लोग को उत्साह भी मिलता है। सराहना आप लोग का जो रहता है उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और हम लोग जो है अपने काम को आज तक कंटिन्यू किए हुए 3-4 साल से। तो आप लोग ऐसे ही अपने साथ बनाए रखिएगा। बाकी जो बात आती है जी कि जिया अपने मायके में क्यों नहीं ज़्यादा जाती, और जब भी जाती है तो क्यों नहीं ज़्यादा रहने देते हैं, तो उसका कारण है जी बस यही सोशल मीडिया। जी हाँ, कारण क्या है जी कि दोनों अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और दोनों ने जो है मिलकर एक ऐसा चैनल स्टार्ट कर लिया है, खड़ा किया है, ये अपना बिल्कुल एक परिवार बनाया है, और यहाँ पर जो है दोनों ने मिलकर काम किया। तो ऑडियंस को भी जो है आप लोग जो है आप में से देखा है, बहुत लोगों के कमेंट भी आते हैं कि कई बार जब हम दोनों अलग अलग भी रहते हैं तो भैया कहाँ है, तो कोई फिर आता है भाभी कहाँ है। लाइव पर भी आते हैं ना, इंस्टाग्राम या यूट्यूब फेसबुक पर भी, तो वहाँ भी आते हैं कि भैया कहाँ है, हम आते हैं तो जिया कहाँ है। एक दो बार कोशिश भी करी कि जिया को जो है मायके में रखा कुछ समय के लिए और यहाँ पर रहा, तो चैनल पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग गई क्योंकि लोग जो है हम दोनों को साथ देखना चाहते हैं, दोनों को वीडियो में देखना चाहते हैं इस वजह से। और ये सोशल मीडिया ऐसा चीज है, आप झूठ क्या बोलना, कि वहाँ पे एक दो दिन भी गैप जाता है तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं और वीडियो बिल्कुल। और जो यूट्यूब लोग नाराज होते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है जी, वहाँ अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो आपको फेवर नहीं करता है। जैसे भी यूट्यूब किसी भी तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ भी आप देखेंगे कि कुछ दिन इनएक्टिव हो गए, चाहे इंस्टा पर भी इनएक्टिव हो गए, चाहे फेसबुक पर इनएक्टिव हो गए,
चाहे कहीं पर भी नेगेटिव हो गए तो वहाँ ये इशू आता ही आता है। तो इसीलिए जो हम लोगों को जो है यहाँ पर साथ रहना पड़ता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। हम भी चाहते हैं कि जी अपने घर जाए, क्यों नहीं चाहेंगे जी, क्योंकि बात क्या है जी कि सभी को मन करता है कि अपने मायके जाए, कुछ दिन वहाँ पर रहे और कुछ दिन वहाँ पर भी समय बिताए। जैसा भी मायका हो, मायका मायका होता है और माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उनका जो प्यार होता है ना वो बहुत अलग लेवल का होता है। तो सब कोई चाहता है कि मैं मायके में रहूं, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, मैं तो सोचती हूँ ये मेरा काम है, काम ही है। तो जो काम करते हैं वो बार बार तो नहीं जा सकते और ज्यादा दिन नहीं रह सकते, वैसे ये मेरा काम है, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ, नहीं रह पाती हूँ। लेकिन फिर भी इस बार मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल जी, और इस बार जो है सोचा है कि जिया वहाँ पर रहेगी और जिया वहाँ पर भी अपना ब्लॉग सब शूट करेगी, जो भी वीडियो सब होगा, और वहाँ मुझे जो है ड्राइव पर भेज दिया करेगी और मैं यहाँ पर डाउनलोड करके उसको एडिट सब कर लिया करूंगा। तो देखते हैं जी, अलग है कि उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाऊंगी जितना मैं यहाँ पे रह के एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि मायके है थोड़ा सा, तो जा रही हूँ मायके घूमने के लिए, तो वहाँ पे उतना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। हाँ बिल्कुल, ये तो फिर कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर हर चीज मिले तो वो मिलेगा आप लोग। बिल्कुल जी, तब ऐसा करते हैं जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। हाँ। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, शेयर से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।